नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई दूरी क्या है, विस्थापन है। सिंपल से इन दोनों की परिभाषा बताई थी थ्योरी में। उस परिभाषा के बाद मैं आपको एक संबंध समझा रहा हूँ और इससे आपको दूरी और विस्थापन का और भी कंसेप्ट क्लियर हो मैथमेटिकली रूप से। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं समझा देता हूँ आपको दूरी, और दूरी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। दूसरा बोलेंगे विस्थापन। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में दो दो केस ले रहा हूं। पहला केस लिया मैंने इसमें लिया। फर्स्ट केस में मैं कह रहा हूं कि भाई बिंदु ए और बी की जो कोई डिस्टेंस दर्शाई है मैंने, कि बिंदु ए लिया और ये बी लिया, दोनों के बीच में जो पथ की लंबाई है वो 4 मीटर। अब मैं कहने लग जाऊं कि इस क्षेत्र में डिस्टेंस बताइए, इस स्थिति में दूरी क्या होगी बिंदु ए और बी के बीच की। तो देखो बेटा, दूरी इसमें आई है आपकी बिंदु ए से जाएंगे बी पर, और बी पर जाने में पथ की लंबाई कितनी आएगी, 4 मीटर। सेम पहला केस ये ले रहा हूं, इसमें भी पहला केस मैंने ये लिया है कि बिंदु ए और बी चार मीटर, विस्थापन बी माइनस ए, ये लिख सकते हैं। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति में इसे प्रारंभिक कहेंगे। देखो यहाँ पे बिंदु ये है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 0। जब बिंदु बी पर पहुंच रहा है तो दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। अगर बात देखी जाए तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर। तो इस वाले केस से हमने पता कर लिया कि भाई दूरी और विस्थापन कैसे हैं भरा। केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड में बिंदु ए बिंदु बी सी 4 मीटर 3 मीटर। अब यहां पे बात कर रहा हूं मैं इस वाले की। इस वाले केस में कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी पर जाता है, बिंदु बी से सी पर जाता है, और जब बिंदु वो सी पर गया तो बेटा इस स्थिति में मैंने आपको बताया था कि दूरी की जो परिभाषा है वो ये बताती है कि दूरी हमेशा पथ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। और पथ पर निर्भर जब दूरी कर रही है तो उस स्थिति में ये है कि यहाँ पर पथ को ही कंसिडर करना है। तो दूरी निकालेंगे तो दूरी इक्वल टू ए से बी जाएंगे, बी से सी पर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 मीटर। कितनी आगे दूरी, 7 मीटर। इसी केस को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, केस सेकंड। अगर इस केस में हम देखें कि भाई विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन निकालने के लिए मैंने ये लिया बिंदु ए 4 मीटर, बिंदु बी सी 3 मीटर। और यहाँ पे देखो बेटा, अपने परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि विस्थापन बेटा वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन किस पर निर्भर करता है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर, दो बिंदुओं पर निर्भर करता है, बाकी के बिंदुओं पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट है आपका सी और इनिशियल पॉइंट है आपका ए। तो यहाँ पर सिर्फ कौन कौन से देख रहे हैं कि भाई बिंदु ए की बिंदु सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो एसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से एसी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 25, और अंडर रूट 25 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर।
कितनी आ गई 5 मीटर। अब पहले केस देखो दोनों में दूरी और विस्थापन में, पहले केस दोनों सेम है और सेम ही आया आंसर, दूरी आई थी 4 मीटर, 4 ही मीटर क्या आया विस्थापन। पहले केस में लाइन कैसी थी, एक सरल रेखा, यहाँ पे एक सरल रेखा नहीं है। सेकंड केस में दोनों में के लिए जो सेकंड केस लिया वहाँ पे सरल रेखा नहीं है, तो यहाँ पर जो दूरी आई थी 7 मीटर, यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर। तो हमको इससे एक आंसर मिला है कि भाई जो दूरी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि दूरी संबंध एरिया और विस्थापन दोनों में क्या संबंध आया, संबंध ये आया भैया। पहला संबंध तो ये है कि दोनों इक्वल भी होते हैं, दूरी और विस्थापन कैसे होते हैं दोनों बराबर भी होते हैं। सेकंड केस में ये आया कि दूरी ज्यादा होती है विस्थापन कम होता है, तो देखो दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, दूरी विस्थापन से ज्यादा होगी। पहले केस के अकॉर्डिंग ये भी लिख सकता हूँ कि दूरी और विस्थापन बराबर भी होगी। तो ये आ गया इसका फाइनल ही आंसर कि दूरी और विस्थापन में संबंध क्या है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया मैथमेटिकली ढंग से कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी, कभी भी कम नहीं हो सकती है। ये दूरी और विस्थापन का एक इजी सा मेथड है, इससे आपको पहले वाला जो कंसेप्ट है आपके माइंड में चल रहा है कि भाई दूरी क्या है विस्थापन क्या है वो इससे फाइनल हो गया। ये भी पता लग गया कि भाई हाँ यहाँ पे पता लगा है कि दूरी पथ पर निर्भर करती है, विस्थापन पथ पर निर्भर न करके इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन पर निर्भर करता है। थैंक यू।